खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे से हुई है। पुरी के अलावा ओडिशा में कहीं और रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 615 फीट के ऊपर कितनी शक्ति चाहिए, कितना साहस चाहिए। वो लोहे की चेन को पकड़ के चुनरा जब ऊपर उठता है और वो जो लहराता है ध्वज, तो वो सब लोग जब देखते हैं तो धन्य हो जाता है। ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये तुलसी का जा रहा है चूड़ामल, जिसको कि कहते हैं तुलसी सबसे पवित्र मानी जाती है और ईश्वर को तुलसी बहुत पसंद है। और ये तीनों रथ के ऊपर, ये जब तीनों विग्रहों को एक एक रथ पे जब बिठा दिया गया है, तो अब उनकी सेवा के लिए ये तुलसी चूड़ा जा रहा है, पद्म फूल, केतकी के फूल और चंपा के फूलों से सुसज्जित, ताकि ये पूरे रथ को पूरा पवित्र किया जाए। तुलसी एक ऐसी चीज है जिसको कि प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं और हिंदू के सभी पूजा में अगर तुलसी नहीं होती तो कहते हैं पूजा का शुभारंभ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए हर विष्णु की अति प्रिय तुलसी मानी जाती है। ऐसी एक कहानी भी है, एक बार सत्यभामा को, कृष्ण की पत्नी को, अपने रूप पे बहुत घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, और उसने कहा था मैं अपने पति को किसी को भी दे दूंगी, लेकिन अगर मैं अपने वजन का सोना आभूषण सब दान करूंगी और पति को वापस ला सकती हूँ। तब नारद ने कहा करो, तो उस समय वो इतना सोना आभूषण सबका ली लेकिन उसका वजन कुछ नहीं हुआ। तब रुक्मणी ने एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी तरफ रख दिया था और प्रभु उसके वचन में बराबर आ गए थे। तो इस तरह से तुलसी का महत्व हमारे पूरे हिंदू संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति में है। तुलसी के पत्ते शुद्धता पवित्रता का प्रतीक है। प्रत्येक घर में, जिसको कहते हैं कि प्रत्येक घर में उनके आंगन में तुलसी का पेड़ अवश्य पाया जाता है। तो भगवान की जब सेवा की जाती है तो ये विभिन्न मठों से ये सेवा का उनको आनंद प्राप्त होता है। 200 से ज़्यादा मठ पूरी शहर में है चारों तरफ, जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। कोई ताह्या भेजता है, कोई तुलसी भेजता है, कोई जब रथ की वापसी होगी तो अधरपणा भेजेंगे, कोई फुलरी तेल भेजेंगे जब प्रभु बीमार होते हैं। प्रभु अभी 15 दिन अपने ओसर घर से, जैसा कि हम लोग अभी कहते हैं कि आप अगर बीमार हो रहे हैं या बीमार होने का खतरा है तो क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, ये तो अभी शुरू हुआ है। प्रभु हजारों हजारों साल से, जब से प्रभु की लीला देखिए, वो हर वर्ष जब 108 स्वर्ण कलश से वो नहाते हैं और उसके बाद जब वो बीमार होते हैं तो उनको भी क्वारंटाइन सेंटर की तरह 15 दिन तक अणसर घर में भेज दिया जाता है। और उसके बाद वो आके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, नया रूप लेके, जिसको नव यौवन दर्शन कहते हैं, और नेत्रोत्सव जो आँखों से उनसे मिलके होते हैं। तो ये अभी रथ की सब प्रक्रियाएँ चल रही हैं। प्रभु की जितनी भी पूजा की सामग्री एक एक करके, चाहे वो तुलसी हो, वो चंदन लागी हो, वो अभी उसके बाद छेरा पोहरा होगी जब खुद स्वयं गजपति महाराज आएंगे। एक तरफ तो उन्हें इतना विनम्र दिखाया है कि ये गणतांत्रिक देश है और हम सब समान हैं, हमरा सबई राजा, जिसको बांग्ला में कहते हैं, और वहाँ पे प्रभु भगवान स्वयं आके छेरा पोहरा करते हैं, मर्जना करते हैं रथों की पवित्रता की रक्षा के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, जिसको कि अभी सरकार पूरे जोर शोर से चला रही है, और यहाँ पर तो माता लक्ष्मी स्वच्छता का प्रतीक है। वो तो जहाँ उसको स्वच्छता मिलती है, माँ लक्ष्मी वहीं चली गई थी। लक्ष्मी पुराण में बहुत सुंदर कहानी है कि वो एक चंडालिनी के घर भी पहुँच गई थी, क्योंकि वहाँ उसको बहुत ही सुंदर से सफाई करके माता की प्रतिष्ठा की गई थी और उसने पूजा के लिए बुलाया था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आता है, जिसमें कि ये छेरा पोहरा करते हैं लेकिन सोने की मूठ के साथ। मैंने कहा ना कि हमारे प्रभु एक तरफ तो पूरे योगी हैं और दूसरी तरफ बड़े भोगी हैं। हम एक तरफ उन्हें कहते हैं कि वो कितने साधारण हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख के साथ साथी हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी शान देखिए, वो अगर घर से भी बाहर निकलते हैं तो ऐसे विशाल रथ इतने सुंदरता से सजाए हुए, और उस विशाल रथों में बैठ के वो निकलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी रथों के में 9-9 पार्श्व देवी देवता रहते हैं, जो कि रथों के चारों तरफ उनकी मूर्तियाँ बनी रहती हैं। जो हमारे नंदी घोष में पार्श्व देवी देवता रहते हैं, वरहा, गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र,
और माँ सुभद्रा का जो रथ है, जिसको हम पद्मध्वज कहते हैं, उनकी जो नौ देवी रहती हैं, उनके चारों तरफ विग्रह रहते हैं, वो है चंडी, उग्रतारा, चामुंडा, वनदुर्गा, शूलदुर्गा, श्यामली, मंगला, विमला और वरही। उसी तरह से प्रभु जो बलराम जी के रथ हैं, उनके जो त्वालध्वज के जो हमारे देवी हैं, देवता हैं चारों तरफ नौ, गणेश, कार्तिक, स्वर्ण मंगला, पलांबली, हतयुधा, मृत्युंजय, मुक्तेश्वर और शेषदेव। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं की जो विग्रह की स्थापना होती है, वो अपने सभी देवी देवताओं के साथ चलते हैं। दूरदर्शन ने केवल मात्र एक जगह से नहीं, शहर के विभिन्न विभिन्न जगहों पे, पॉइंट पे अपने कैमरे रखे हैं, ताकि हर दृष्टिकोण से, हर जगह से, हर कोने से, चाहे वो मंदिर के अंदर की नीतियाँ हों, चाहे वो पदहुंडन हो, 22 पहाचे से प्रभु आ रहे हैं, चाहे बाहर आके वो चार माल के ऊपर से चलते हुए रथ के ऊपर गए और रथ के ऊपर आसीन होके उनकी जो पूजा अर्चना, चंदन लागी, ये सब पूजा होगी, उन सब का सीधा प्रसारण हमारे तक पहुंच सके। और एक एक चीज को रथ के अगला भाग, रथ के भी चार द्वार होते हैं, जिस तरह से मंदिर के चार द्वार होते हैं, एक एक जगह का उन्होंने कैमरे में उसको शूट किया है और हम सब तक